Hello everyone, today we are discussing about double fertilizer in angiosperms. तो angiosperms के अंदर दो तरह का होता है ये, और it was discovered by Nausin, एक scientist थे Nausin. तो Nausin ने बेटा इसको discover किया था, इसको fertilizer plant के अंदर. तो अब होता क्या है, ये angiosperm के अंदर बेटा दो तरह का आपको फर्टिलाइजेशन नजर आता है, जिसको हम बोलते हैं वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन एंड सेकंड इज जनरेटिव. तो हम लोग इसमें देखेंगे दोनों में क्या डिफरेंस है. तो अब इसको शॉर्टकट में ऐसे लिख लेंगे हम लोग, तो 2n प्लस में n बेटा ये बन जाएगा यहां पर 3n. इसको हम कहेंगे ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म इसको हम बोलते हैं. ओके, तो ये होता है न्यूट्रिटिव टिश्यू. और इसमें क्या होता है, जो एग होता है, तो ये जो 2n बनता है बेटा वो बनता है जाइगोट. ठीक है, इसको हम बोलते हैं न्यूट्रिटिव टिश्यू. दिस इज कॉल्ड न्यूट्रिटिव टिश्यू. और ये जो टिश्यू है बेटा ये है ट्रिप्लॉइड, 3n है ये एंजियोस्पर्म्स के अंदर, 3n इन एंजियोस्पर्म्स. ठीक है, लेकिन जिम्नोस्पर्म्स में जो ये टिश्यू होता है ये होता है हैप्लोइड, ये होता है एन. लेकिन हम बात करेंगे एंजियोस्पर्म्स की, तो जो एंडोस्पर्म है वो ट्रिप्लोइड की फॉर्म में मिलता है, इसको हम बोलते हैं न्यूट्रिटिव टिश्यू, क्योंकि ये डेवलपिंग जायगोट को देता है नरिशमेंट. इट गिव्स नरिशमेंट टू द डेवलपिंग जायगोट. सपोज करो हमारे पास ये फीमेल पार्ट है, ये हमारे पास एक स्ट्रक्चर है ओवरी का. इसमें ये डायग्राम बेटा इसका ओव्यूल हो गई. तो इसमें पोलिनेशन की हेल्प से जब मेल पोलन ग्रेन बेटा किसी भी फ्लावर से प्लांट से आकर इस पे अटैच कर जाता है, तो उसके बाद ये पोलन ग्रेन है तो इस पे वाइबल रहता है कुछ टाइम तक, और ये इस पे जर्मिनेट करेगा स्टिग्मा के ऊपर. तो जर्मिनेट कैसे करेगा बेटा, तो इससे क्या बनेगी पोलन ट्यूब, इट विल फॉर्म पोलन ट्यूब. देखो इस तरीके से ये पोलन ट्यूब बनाता है, और वो जो पोलन ट्यूब है वो इसकी हेल्प से बेटा वो यहां से एंटर कर जाती है. तो दिस पार्ट इज कॉल्ड स्टाइल एंड दिस इज कॉल्ड स्टिग्मा. तो स्टाइल सबसे लंबा जो होता है मक्का में होता है, वो लॉन्गेस्ट वो होता है मेज के अंदर, लगभग 42 से 45 सेंटीमीटर होता है. तो बच्चों पोलन ट्यूब जो है वो यहां से एंटर करती है, इस पार्ट में विद द हेल्प ऑफ माइक्रोपाइल. दिस जोन दिस एरिया इज कॉल्ड माइक्रोपाइल. तो ये पोलन ट्यूब जो होती है माइक्रोपाइल से बेटा इसको साइड में करके एक सिनर्जिड को बिल्कुल इसको हटा के
और यहां से अपने आप को डिस्चार्ज कर देती है। ओके ऐसे। और ये जो सिनर्जिड है साइड में हो जाता है ये, एंड इट डिस्चार्ज, इसमें होते हैं टू मेल गैमेट्स, ये लो यहां पे मैंने दिखा दिया आपको, ये इनको बोलते हैं टू मेल गैमेट्स। तो एट लास्ट क्या होगा, ये पोलन ट्यूब जो है दोनों मेल गैमेट्स को ये इसको लेके आती है और पोलन ट्यूब डिस्चार्ज हो जाती है इस एम्ब्रियो सैक के अंदर। दिस इज कॉल्ड एम्ब्रियो सैक। तो ये रहा देखो डायग्राम में दिखाया मैंने आपको बेटा, ये दोनों जो मेल गैमेट थे वो ट्रांसफर होके अब कहां आ गए, वो एम्ब्रियो सैक में। ठीक है, तो अब यहां पे आने के बाद मैं इसका एक डायग्राम और बनाता हूं अभी। नेक्स्ट, हमारा जो स्ट्रक्चर है इसको मैंने कहा एम्ब्रियो सैक, और इसके अंदर पोलन ट्यूब आके डिस्चार्ज हो चुकी है। तो दो मेल गैमेट आप यहां देख सकते हो, जो सेंटर में जो सेल थी बेटा ये, इसको मैंने कहा था टू एन सेल। तो इनमें से जो ये वाला मेल गैमेट है, इधर फोकस करो एक बार, तो ये क्या करेगा, वो इस पे जाके जुड़ जाएगा। और आपको पता है जो मेल गैमेट होते हैं बेटा ये ऑलवेज एन होते हैं। तो इसके साथ क्या हुआ, एक आगे जुड़ गया तो ये टू एन पहले था बेटा, एक एन आके और जुड़ गया तो ये क्या हो जाएगा, थ्री एन। इसी को हम बोलेंगे ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म। जो प्रोडक्ट बना है ये कहलाएगा ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म, और ये जो फर्टिलाइजेशन कहलाएगा वो कहलाएगा ट्रिपल फ्यूजन। इसको मैंने बोल दिया बच्चों ट्रिपल फ्यूजन, क्योंकि यहां पे 2n प्लस में n, तो 3n यहां पर बनते हैं आपस में ज्वाइन होते हैं, इसको हम बोल दिया मैंने ट्रिपल फ्यूजन। और इसका एक नाम और दे दिया हमने, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तो एक्चुअल में अब ये 2n जो है ये ना होके अब ये 3n हो जाएगा, तो दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड 3n। अब ये 3n बन गया बच्चों, ये दिस इज कॉल्ड 3n। सेम ऐसी ही अब जो ये वाला मेल गैमेट था तो ये जाके जुड़ जाएगा इससे। तो अब ये जुड़ने के बाद जो ये होगा, ये वाला स्ट्रक्चर सेंटर में, ये पहले था n, तो इसमें एक n आके और जुड़ गया, अब ये बन जाएगा 2n। क्या बन जाएगा ये 2n। इसको मैंने बोल दिया डिप्लॉइड जाइगोट। अब इस जायगोट से क्या बनेगा, बाद में एम्ब्रियो बनेगा और इससे बन जाएगा लास्ट में सीड। ठीक है, अब ये जो एम्ब्रियो है इसको जितना भी नरिशमेंट चाहिए वो कौन देगा, वो देगा ट्रिप्लोइड एंडोस्पर्म, ये देगा इसको नरिशमेंट। तो यहां पर डिप्लोइड जायगोट जो बन गया ये, तो इसको हम कहेंगे प्यारे बच्चों, दिस इज कॉल्ड जनरेटिव फर्टिलाइजेशन। इसको मैंने बोल दिया जनरेटिव फर्टिलाइजेशन। तो जो पहला फर्टिलाइजेशन हुआ वो कौन सा था, वो वेजिटेटिव था ये वाला पहला, और सेकंड कौन सा बेटे, वो है सेकेंडरी, और यू कैन से इसको मैंने बोल दिया डबल फर्टी लाइजेशन। तो एक बार थोड़ा समराइज करते हैं दोबारा इसको। तो इसके दो पार्ट थे, पहला था वेजिटेटिव, सेकंड था जनरेटिव। इसमें क्या हुआ था, पहले 2n सेल थी प्लस में एक n आगे जुड़ गया, ये बन गया 3n ट्रिप्लोइड एंडोस्पर्म। इसमें क्या हुआ, एक n थी पहले से ही, एग था ये, और इस एग में मेल गैमेट था, तो ये बन गया 2n। दिस इज कॉल्ड जायगोट, ये जायगोट हो गया। तो इसको हम कहेंगे डबल फर्टिलाइजेशन। ओके, तो इसमें एक और क्वेश्चन पूछते हैं, तो इनके ऊपर जो ये सिनर्जिड्स हैं साइड में,
मैंने जो दिखाई आपको ये, तो इनके ऊपर कुछ ये होता है अपरेटस, इनको हम बोलते हैं फिलीफॉर्म अपरेटस, दिस अपरेटस इज कॉल्ड फिलीफॉर्म अपरेटस। तो इनका फंक्शन क्या होता है, फिलीफॉर्म अपरेटस। तो जो फिलीफॉर्म अपरेटस होते हैं ये पोलन ट्यूब को गाइड करते हैं, दे गाइड द पोलन ट्यूब, गाइड पोलन ट्यूब। और जो एंटीपोडल सेल्स है बच्चों, एंटीपोडल जो सेल्स होती है, तो ये डिजेनरेट होने के बाद ये नरिशमेंट देंगी, दे गिव्स नरिशमेंट। तो व्हाट इज द एडवांटेजेस ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन, अगर बच्चों ये नहीं होगा तो ये जायगोट भी नहीं बनेगा, क्योंकि जायगोट को रिक्वायरमेंट होती है फूड की, क्योंकि एंडोस्पर्म बनता है डबल फर्टिलाइजेशन की हेल्प से, और अगर ये नहीं होता है तो जायगोट भी नहीं बनेगा। और ये जो पूरा एम्ब्रियो सैक है, तो बेटा ये 7 सेल्ड और 8 न्यूक्लियस स्टेज पे स्टॉप हो जाएगा। इफ देर इज नो फूड तो देर इज नो डेवलपमेंट। तो जो अपना ये एम्ब्रियो सैक होता है, ये जो एम्ब्रियो सैक की डेवलपमेंट है, तो वो 7 सेल्ड और 8 न्यूक्लियस स्टेज पर बेटा स्टॉप हो जाएगी, अगर फूड नहीं बनेगा, अगर ट्रिप्लोइड एंडोस्पर्म नहीं बनेगा, अगर डबल फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।